जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि फॉर ऑल यू पीपल यानी कि धनु राशि के लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। ओके, फॉर ऑल यू पीपल, मुझे ऐसा लगता है लाइक आप अपने किसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू नो अनफेयर, और आप चाहते हैं कि आपको लाइक आपके साथ फेयर हुए, मतलब यू नो फेयर डिसीजन आपके साथ हो। जो भी है, मे बी कुछ लोग हो सकता है कि डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट, यू नो यू आर गोइंग थ्रू दैट लाइक सेपरेशन, और आपके जो पर्सन हैं वो भी जगल कर रहे हैं। येस, इट्स अबाउट मैरिज। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आप अपने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बिट्रेड फील कर रहे हैं, अनहैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि या आर हो या पार हो। अच्छा, अगर आप किसी कनेक्शन में है देन ऑल्सो यू आर फीलिंग लाइक आप कि अनफेयर डिसीजन हुआ है आपके साथ, या हो सकता है कि आप कट करना चाहते हैं इस पर्सन को, यू वांट टू कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ, या ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स अबाउट यू नो लाइक यस, इट्स अबाउट लाइक आप तो चाहते हैं, यू आर वेरी काइंड हार्टेड पर्सन अंदर से, लेकिन सिचुएशंस आप लोगों के बीच में उस तरीके से नहीं चल रही है। एंड मोर ओवर आपके जो पार्टनर है दे आर जगलिंग, बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं। एंड इट्स अबाउट लाइक वो भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो इस यू नो इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर तो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड मुझे एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है। इट्स अबाउट यू नो लाइक इट्स अबाउट कि आप अपने आप को दोनों ही लाइक पुल बैक कर रहे हैं, और फिर कहीं ना कहीं एक पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है। एंड मोर ओवर हो सकता है आप हो या आपके पार्टनर हो, वाइस वर्सा ये चीज़ें चल रही हैं, एंड थिंग्स आर नॉट स्मूथ बिटवीन बोथ ऑफ यू। हो सकता है कि थोड़ी ईगो आप में हो सकता है, इस पर्सन में हो, ये चीज़ें हैं, या थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई इशू आ रहे हो, ठीक है। लाइक यू आर ट्राइंग, अपनी तरफ से आप ट्राई भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट जो सिचुएशंस हैं दैट आर यू नो लाइक नॉट वर्किंग, कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ कन्फ्लिक्टेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड यू आर ट्राइंग, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हालांकि आपके पार्टनर भी कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ लोग इट्स अबाउट यू नो मनी थिंग ऑल्सो, कोशिश कर रहा है कोई की सिचुएशन को यू नो मेंटेन करें, एंड आपके पार्टनर भी हो सकता है इस चीज़ में जगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उनको भी समझ नहीं आ रही हो, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। चलिए अब बात करते हैं आपके करियर की, करियर वाइज ये जो हफ्ता है आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है। ओके, करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट यू नो लाइक आप किसी चीज़ का कोई आपकी तरफ कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं। इट्स अबाउट हो सकता है कि आप यू नो लाइक यू वॉन्ट टू बी कंटेंट किसी चीज़ में, आप मतलब हैप्पी होना चाहते हैं फाइनली, लाइक हो सकता है कि आपको वो डिसीजन मिले, और ये चीज़ है मुझे लगता है आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई करा था। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने किसी जॉब वगैरह के लिए या किसी यू नो लाइक कोई अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा हो, तो वो चीज़ हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है डेविल, अच्छा हो सकता है कि यू नीड टू यू नो लाइक अपने आप को आपको फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है वर्क प्लेस पर कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो उस वो चीज़ आप फेस कर रहे हैं, तो उस चीज़ यू नो उसमें से आप निकलना चाहते हैं, या पुरानी जॉब छोड़ के आप नई जगह अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट कंटेंट, आप उतने कंटेंट नहीं हैं जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो सकती है। लाइक आप अर्न तो कर रहे हैं, आप यू आर डूइंग वेल, बट वर्क प्लेस पर कुछ कॉन्स्पिरेसी भी है, तो उसमें से यू आर वॉकिंग अवे एंड फाइंडिंग अ न्यू जॉब, ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। चलिए लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है? ओके,
ओके गाइडेंस है फ्री योर सेल्फ, ठीक है. हो सकता है इट्स अबाउट इमोशनल कोडिपेंडेंसी या कुछ भी हो सकता है. इट्स अबाउट अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालना. बी फ्रेंडली, ठीक है. एंड काम को लेके अगर मैं बात करूँ तो यू हैव टू बी यू नो लाइक इट्स अबाउट यू शुड नॉट बी जेलस एंड मे बी यू शुड बी लाइक मोर गिविंग, ठीक है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज, बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट कि आपकी यू नो लाइक इमोशनल नीड्स मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही, तो इस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं लाइक आप उसमें बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, लैकिंग फील करते हैं. इट्स अबाउट फ्रेंडलीनेस. तो अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जिसमें आप यू नो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो जस्ट फ्री योर सेल्फ एंड अपने आप के साथ भी आपको यू नो सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और थोड़ा सा आपको भी गिविंग होना पड़ेगा अपने यू नो अपने रिलेशनशिप्स में या अपने जॉब प्लेस पे. थोड़ा सा आपको भी लाइक यू हैव टू बी इन दैट जोन, गिविंग नेचर यू हैव टू डू दैट. तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.